सेकेंड सर्च स्टिल कंटिन्यूइंग आप देख रहे हैं कि ये टेल ये टेपरिंग लंबी है उसी लगभग उसी पॉइंट पर स्टेबल है और आने वाले दिनों में जो हम कंसर्न ज़ाहिर कर रहे हैं फेस्टिवल्स होंगे मास गैदरिंग होगी व्यक्ति इकट्ठे होंगे बाजारों में मंडपों में और पंडालों में उससे हमें बच के रहना है फिर याद दिलाना चाहेंगे एक जिम्मेवार है अपने लिए भी समाज के लिए भी तो भीड़ नहीं करनी है वायरस को ये पार्टियाँ ये भीड़ बहुत पसंद है और वो इसका मौका उठाएगा और ये हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस है और जो भी कुछ हो अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी ससेप्टिबल है और हमें इस पीरियड से बच के वैक्सीन लेके अपने आप को ढाल बना के सो कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी पैदा करते हुए ये टाइम निकालना है और इसके लिए इन फेस्टिवल्स को परिवार में ही मनाएं तो सबसे अच्छा ही बात है उसी में सीमित करें बहुत मौके आएंगे फेस्टिवल्स को मनाने के ये एक वार्निंग भी कह लीजिए रिक्वेस्ट भी कह लीजिए जो हम सब की तरफ से है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्क अभी भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पहली वेव में था दूसरी वेव में था इसकी ज़रूरत किसी भी तरह से अभी कम नहीं हुई है और वैक्सीन पूरे लग भी जाएंगे तब भी ये जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है ये लाजमी होगा इंपॉर्टेंट होगा लास्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो मच्छरों की वजह से बीमारियां हैं वो अब उभर के आ रही हैं डेंगी के आउटब्रेक के बारे में आप जान रहे हैं इसी प्रकार मलेरिया का सीज़न भी आना शुरू होता है बरसातों के बाद इसलिए आज अपील करना चाहेंगे कि अपनी तैयारी इस तरह से भी करिए कि जो मच्छर से होने वाले खासकर डेंगू और मलेरिया की जो बीमारी है बुखार हैं उनसे हम बचें आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दें इसकी देखभाल अभी से करें मच्छर पन पे नहीं ये हम आसपास देखें पहली बात दूसरी बात है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मच्छरदानी की बात करें मॉस्किटो रिपेलेंट की बात करें पूरे अपने आप को कवर करें ये एफर्ट भी हमें लेने चाहिए